हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरे भारत देश में, इसी के चलते हुए लोगों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि क्या हमें COVID-19 टेस्टिंग, अगर हमें सर्दी खांसी है तो कर लेना चाहिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें COVID-19 का टेस्टिंग कब करना चाहिए और किन किन लोगों को कर लेना चाहिए। और इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि COVID-19 टेस्टिंग के लिए कितने प्रकार के टेस्ट्स होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं, और इनमें से कौन सा टेस्ट परफेक्ट या फिर कंफर्म टेस्ट है जो आपको बताएगा कि आपको 100% COVID-19 इन्फेक्शन है या नहीं। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जनरल हेल्थ रिलेटेड, प्रेगनेंसी और महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारे भारत देश में एक डिपार्टमेंट है हेल्थ रिसर्च के लिए, जिसे हम ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं। ICMR गाइडलाइंस या फिर ICMR के अनुसार जो भी लोग पिछले 14 दिन में अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं, विदेश ट्रैवल करके आए हैं और उन्हें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें COVID-19 टेस्टिंग कर लेना चाहिए। मैं जब भी ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस सिम्टम कहूँगी, तो उसका मतलब है कि अगर आपको फीवर यानी कि बुखार 100.4 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर है, और अगर आपको खांसी है, और अगर आप विदेश ट्रैवल करके आए हो, तो आपको COVID-19 टेस्टिंग करना है। सेकेंड थिंग, अगर आप कन्फर्म्ड लेबोरेटरी कन्फर्म्ड COVID-19 पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं और आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको टेस्ट करना है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी या फिर पुलिस कर्मचारी, उन्हें अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो भी COVID-19 टेस्टिंग करनी है। जो पेशेंट्स को सारी यानी कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम फीवर, कफ, कोल्ड और सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको सारी यानी कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है हम कह सकते हैं, और ऐसे लोगों में भी COVID-19 टेस्टिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आप कन्फर्म्ड केस के कॉन्टैक्ट में आए हैं और आपको अगर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको करना है। और अगर आप कन्फर्म केस के कॉन्टैक्ट में आए और आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, तो भी आपको COVID-19 टेस्टिंग करना चाहिए। हाई रिस्क पेशेंट मतलब अगर आपको दिल की बीमारी, फेफड़ों की यानी कि लंग की बीमारी है, किडनी, लीवर की बीमारी है, या फिर आपको BP की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन, शुगर, किडनी ट्रांसप्लांट के अगर आप पेशेंट हो, क्रॉनिक स्मोकर हो या फिर हेवी ड्रिंकर हो, और आप कन्फर्म केस के कॉन्टैक्ट में आए हो, तो आपको 5वें दिन से 14वें दिन के बीच में यानी कि वो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद 5वें दिन से 14वें दिन के बीच में आपको ये टेस्ट कर लेना चाहिए। फिर अगर आप हॉटस्पॉट या फिर कंटेनमेंट एरिया से बिलोंग करते हो और आपको फीवर, कफ, कोल्ड ये साधारण लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको COVID-19 टेस्टिंग कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में जो लोग अस्पतालों में भर्ती है किसी और कारण के लिए और उन्हें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी COVID-19 टेस्टिंग करना है। फिर जो लोग माइग्रेंट लेबरर्स है यानी कि जो लोग काम करने के लिए कोई किसी और शहरों में गए थे और अभी लॉकडाउन की वजह से काम अवेलेबल नहीं है, तो वापस अपने शहरों में आए हैं, तो उन्हें अगर ये 7 दिन में ये लक्षण दिखाई देते हैं, 7 से 14 दिन में, तो भी उन्हें COVID-19 टेस्टिंग करनी है। और जो लोग अब्रॉड यानी विदेश से गवर्नमेंट ने वापस इंडिया लाए हैं या बुलाए हैं, तो उन्हें भी ये COVID-19 टेस्टिंग करना चाहिए। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि COVID-19 टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है। इसमें से जो टेस्ट अवेलेबल है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट के बारे में जानकारी लेने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीजन मतलब जो भी फॉरेन सब्सटेंस या मटेरियल या फिर टॉक्सिन हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगाय, पैरासाइट या फिर कोई भी टॉक्सिन या केमिकल हो सकता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद में एंटीबॉडीज़ क्या होता है। एंटीबॉडी ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और सादी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो एंटीबॉडी ये एक हमारे बॉडी का प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है एंटीजन को डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म करने के लिए।
रैपिड एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट ये दोनों भी ब्लड टेस्ट है और ये दोनों भी टेस्ट का रिजल्ट 15 से 30 मिनट में आ जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट मेनली हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरियाज़ में हम कर रहे थे क्योंकि जो एरिया में काफ़ी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे वो एरिया में रैपिड एंटीजन टेस्ट एकदम आसानी से 15 से 30 मिनट में उसका रिजल्ट आता था। सो रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको इन्फेक्शन है, अगर उसका रिजल्ट अगर निगेटिव है पर फिर भी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, आपको RT-PCR टेस्ट करना चाहिए। RT-PCR टेस्ट यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये COVID-19 के लिए कन्फर्मेटरी यानी कि परफेक्ट टेस्ट है। और अगर इन्फेक्शन 7 दिन के बाद इन्फेक्शन होने के बाद अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हो और आपकी पॉजिटिव आती है तो आपको इन्फेक्शन है, कोरोना इन्फेक्शन है आप कह सकते हैं। पर अगर वो निगेटिव आती है इसका मतलब आप कंफर्म निगेटिव नहीं हो पर आपको अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट RT-PCR टेस्ट करना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।